हेलो एवरी वन माई नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छंद छंद क्या होता है पहले उसको समझते हैं उसके बाद किस किस तरह के छंद आते हैं और आपके एग्जाम्स में कौन कौन से छंद आएंगे उन पे बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं छंद पढ़ना क्यों है ठीक है क्योंकि माइंड में हर एक चीज़ आती है कि ये चीज़ करनी ही क्यों है ये चीज़ पढ़नी ही क्यों है और ये चीज़ हिंदी में क्यों आई है तो छंद का मतलब होता है बंधन ठीक है यानी किसी चीज़ को बांधना और छंद क्यों यूज़ किया जाता है हिंदी में क्योंकि जब कोई भी कवि होते हैं ठीक है वो जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स मीन्स कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो जैसे हम पढ़ते हैं दोहा पढ़ते हैं हम चौपाई पढ़ते हैं हम सोठा रोला पढ़ते हैं तो कब कौन सी चीज़ कैसी होती है किसको कैसे लिखा जाता है उसके लिए कुछ रूल्स लगते हैं उन रूल्स को जब फॉलो किया जाता है और उसके आधार पर कोई चीज बनाई जाती है ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई लाइन आई हमने उसको बोल दिया हम उसको बोल रहे हैं अच्छा ये तो भाई दोहा है नहीं ऐसे नहीं होगा दोहा क्यों है उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं तभी वो दोहा माना जाएगा अदरवाइज वो दोहा नहीं माना जाएगा तो इस तरह से जो हम बंधन बनाते हैं किसी चीज के रूल्स लगाते हैं उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं छंद कहते हैं ठीक है तो जब भी कोई कवि होते हैं जो भी लेखक होते हैं वो अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कुछ बातों को ध्यान रखना होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मन में कोई बात आई है कोई शब्द आए हैं कोई लाइन आई है आप उसको लिख दो उसको बोल दो ये तो चौपाई है नहीं चौपाई नहीं है वो चौपाई नहीं होगी वो कुछ और ही होगी आपके मन की लाइन होगी हाँ अगर आप उस लाइन को उस बात को उन रूल्स के तरह लिखोगे हा माना जाएगा कि हाँ जो भी आपने लिखा है वो क्या है एक चौपाई है या एक दोहा है तो इसी के आधार पर हम छंद को समझेंगे और उसकी परिभाषा को देखेंगे कि छंद होता क्या है किस किस तरह से उसको छंद कहा जाता है है उनमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हमें डालना होता है ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छंद की परिभाषा को देखते हैं क्या है छंद का अर्थ होता है बंधन यानी कि बांधना एक चीज में किसी चीज को पिरोना ठीक है जिस रचना में मात्रा वर्ण गति विराम तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है शब्द योजना यानी कि शब्दों की योजना बनाई जाएगी एक शब्द का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको जब बनाते हैं तो उस समय कुछ कुछ हमारे क्या होते हैं कुछ कुछ अंग होते हैं जैसे मात्रा वर्ण गति विराम तुक सब शब शब्दों का मतलब भी समझेंगे तो ये कुछ नियम होते हैं उन नियमों के आधार पर हम क्या करते हैं शब्दों की रचना करते हैं और उसी शब्दों की रचना करने को हम क्या कहते हैं छंद कहते हैं ठीक है तो नियमों की ड... नियमों के आधार पर जब हम कोई चीज लिखते हैं उसको हम छंद कहते हैं इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है यानी छंद को हम क्या कहते हैं नियमों का एक बंधन है इसमें नियम फॉलो होते हैं रूल्स फॉलो होते हैं तभी आप उसको किसी ऋषि थे जो छंद शास्त्र है उसके जो प्रणेता थे वो कौन थे पिंगल नाम के ऋषि थे और इन्हीं के आधार पर जो है छंद का दूसरा नाम क्या कहा जाता है पिंगल कहा जाता है ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कभी आगे की स्टडी करते हो या कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो और वहां पर आपका छंद से रिलेटेड टॉपिक आता है तो ये चीज़ वहां पूछी जा सकती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है सबसे पहले छंद जहां पर यूज हुआ था वो है ऋग्वेद ठीक है ऋग्वेद में सबसे पहले छंद को यूज किया गया था उसके बाद इन चीज़ों को आगे स्टार्ट किया गया और बाकी की चीज़ों में उनको यूज करना स्टार्ट किया तो इसको क्या कहते हैं छंद का दूसरा छंद को दूसरा जो है किस नाम से बोला जाता है पिंगल और इसका सबसे पहले उल्लेख जो हुआ था वो हुआ था ऋग्वेद में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब छंद छंद के के अंग चंद के अंग क्या होते हैं जब हम छंद लिखते हैं तो उसके लिए कुछ नियम लिए जाते हैं और उन नियमों में पहला नियम है चरण दूसरा है वर्ण मात्रा वर्ण मात्रा हम वर्ण पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है और उसमें मात्रा का भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन कु� होगा नेक्स्ट आता है गति गति यानी कि फ्लो किस तरह से आप बोल रहे हो उसके बारे में है, यति विराम यानी जहां पर आप रुकते हो उसे कहा जाता है तुक, तुक, क्या होता है? तुक को समझेंगे और उसके बाद आता है गण यानी कि ग्रुप गण को हम क्या बोलते हैं ग्रुप तो ये कुछ आ, क्या होते हैं अंग होते हैं जिनके आधार पर हम इनको छंद कहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं चरण चरण क्या होता है प्रत्येक छंद में प्राय चार भाग होते हैं जब आप कोई दोहा देखते हो तो क्या होता है उसमें इस तरह से यू लिखा होता है है कॉमा लगा होता पे पे एक फिर ऐसे दो लाइन होती है आप चाहे दोहे में देख लो सोरठा में देख लो रोला में देख लो चौपाई में देख लो आपको इस तरह से क्या मिलते हैं इस तरह से ग्रुप मिलते हैं तो जो भी लाइन लिखी होती है वो किन्हीं चार चरणों में होती है एक दो तीन चार ठीक है ऐसे चार चरण होते हैं चार भाग होते हैं इनको हम चरण भी कहते हैं पद भी कहते हैं या फिर पाद भी कहते हैं ठीक है तो चरण ही बोला जाता है वैसे तो कि पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण चौथा चरण इस तरह से चरण वाइज डिवाइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं यानी जब भी आप कुछ लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे मन में एक लाइन आई है मैं लिख देता हूं या लिख देती हूँ ये इसको मैं दोहा कह देते नहीं दोहा नहीं होगा अगर आप इसको दोहा बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके चार चरण बनाने पड़ेंगे ठीक है चार चरण बनाने मतलब पहला पॉइंट तो ये है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसमें उदाहरण के तौर पे अगर देखे तो जैसे दे रखा है मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरीवर गहन जासु कृपा सो दयालु दवहू संकल्प कलिभल दहन अब इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो आपको चरण पता होना चाहिए चरण कौन सा है पहला चरण हो जाएगा ये ये है दूसरा चरण ये है तीसरा चरण और ये है चौथा चरण ठीक है अब इसमें क्या होता है इसमें भी चरण के नाम दी दिए कैसे नाम दिए जैसे हमको सम विषम पता होता है ना तो ऐसे ही इनको भी कहा गया है जैसे वन और थ्री पहला और तीसरे को हम क्या बोलते हैं विषम चरण कहते हैं तो विषम चरण कौन कौन से हो गए आपके एक तीन और समरण कौन से होते हैं दो चार तो समरण कौन कौन से हो जाएंगे ये क्यों पूछ बोल रहे हैं क्योंकि जब हम परिभाषाएं देखेंगे दोहा की सोठा की रोला की तो वहां पे ऐसे हमको चरण वाइज बोला जाएगा कि सम चरण जो होते हैं वो इस ऐसे होते हैं तो उसमें हमको पता होना चाहिए सम चरण कौन से यानी दो और चार की बात की जा रही है ठीक है तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चार चरण होते हैं पहली चीज हो गई कि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो वो चरणों में डिवाइड होती है नेक्स्ट आता है वर्ण वर्णमात्रा वर्ण हम पढ़ चुके हैं तो वर्ण हमने देखे थे अब वर्ण में भी क्या कहा है वर्ण की मात्रा के बारे में बात की गई है तो वर्ण तो दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं एक होता है हमारा स्वर एक होता है हमारे व्यंजन ठीक है स्वर और व्यंजन व्यंजन का तो यहाँ पे काम नहीं है यहां पे किसका काम होगा स्वर का काम होगा क्योंकि मात्राएं उसी में लगती हैं तो हमको वर्ण मात्रा चाहिए यानी कि स्वर की मात्राएं ही यूज की जाती है और स्वर की मात्राएं जब हम उच्चारित करते हैं उसके आधार पर हम कितनी मात्राएं है लेते हैं ग्यारह मात्राएं है लेते हैं कौन कौन सी और आ ठीक है हम यही लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अंग अह को हम नहीं लेते हैं वो हम उसको पूर्ण मानते हैं ठीक है तो यहाँ पे स्वर होते हैं अब इन स्वरों में क्या कर दिया है इसको भी दो तरह से हम डिवाइड कर देते हैं तो किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं जब आप कोई भी वर्ण बोलते हो और उस वर्ण में जब आप कोई मात्रा लगाते हो तो क्या हो जाता है उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है जैसे अभी आप क बोल रहे हो ठीक है अब क के क में अगर आप मात्रा लगा बोल रहे का समय लगा ना क से का में स्विच करने में कुछ समय ज्यादा लगा ऐसे क से की तो और समय लग गया तो जब इस तरह से समय लगता है यानी कि जब आप किसी मात्रा को उसमें ऐड करते हो तो उसमें जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं मात्रा कहते उच्चारण के समय जो भी आपको टाइम लगता है वो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो क्या कहलाती है हमारी मात्रा कहलाती है लघु की एक मात्रा और गुरु की दो मात्राएं यूज की जाती हैं क्या लघु और गुरु मैंने कहा था ना आपको होमवर्क में करके आना पढ़ के आना कि क्या होता है लघु तो एक हमारे लघु स्वर होते हैं एक हमारे गुरु स्वर होते हैं ठीक है ठीके? तो लघु और गुरु में किस किस को काउंट करते हैं लघु में तो ये आ जाएगा छोटे में अ ई उ और री ये चार जो होते हैं हमारे किस में काउंट होते हैं लघु में काउंट होते हैं अ ई और री ये चार हमारे किसमें काउंट होते हैं लघु में काउंट होते हैं बाकी सारे कितने हो गए बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो सब हमारे किसमें काउंट होते, है? होते हैं गुरु में काउंट होते हैं ओके ये सभी हमारे गुरु में काउंट होते हैं अब इन्होंने कहा है कि जब भी हम मात्रा काउंट करेंगे क्योंकि जब हम दोहा लिखते हैं या चौपाई लिखते हैं या सोठा रोला कुंडल या कुछ भी लिखते हैं उसमें हमको मात्राओं की काउंटिंग करनी पड़ती है और उस उसके कुछ रूल्स होते हैं भाई इसमें इतनी इसमें इतनी मात्राएं होती हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है आपको जो भी शब्द दे रखा होगा उसकी मात्राएं काउंट करनी होगी तो मात्राएं कैसे काउंट करोगे मात्रा ऐसे काउंट करनी है कि जो भी छोटे हैं उनके लिए यानी लघु के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शब्द में ऐसे क लिखा हुआ है तो आप इसकी काउंट कितनी करोगे वन अगर का लिखा हुआ है तो इसका काउंट कितना करोगे दो क्योंकि इसमें आ की आल गई है और आ की मात्रा क्या होती है गुरु होती है तो लघु की मात्रा के लिए आप कैसा साइन बनाओगे ऐसा एक खड़ी पाई जैसा साइन बनाते हैं और जो गुरु की मात्रा होती है उसके लिए आपको ऐसे एस की जैसा साइन बनाना होता है जैसे मैं अगर लिखती हूं कमल और एक लिख दिया कमला तो कमल में क्या है वन क्योंकि इसका का, इसका काउंट कितना हो जाएगा क का वन काउंट होगा क का वन काउंट होगा फिर म का भी वन है और ल का भी वन है तो हम इस तरह से लिखेंगे और टोटल कितना काउंट हो जाता है थ्री लेकिन अगर कमला की बात करेंगे तो कैसा है इसका वन म में भी वन क्योंकि अ की मात्रा ही है और ला ल में आ की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा गुरु के लिए हम ऐसा साइन बनाएंगे और काउंट कैसे करेंगे वन वन और एस के लिए कितना काउंट होता है टू दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा फोर तो इस तरह से मात्राएं हमको काउंट करनी होती हैं जब भी हम कोई भी दोहा लिखते हैं या कोई भी छंद लिखते हैं तो उस छंद में कुछ रूल्स रूल्स लगते हैं और में पहला रूल हमने चरण देखा था कि हमको कोई चरण में डिवाइड करना होता है दूसरा होता है हमको क्या करना होता है वर्ण मात्रा यानी कि उसमें मात्राएं कितनी हैं उन मात्राओं के आधार पर हम किसी छंद का निर्माण करते हैं कि कौन सा छंद बनने वाला है तो इस तरह से मात्राएं काउंट की जाती हैं ठीक है थीके? अब एक चीज और सीख लो कि मात्राओं में और कौन कौन सी चीजें हो सकती है देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई शब्द मिलेगा और उस शब्द में हमको चंद्र बिंदु मिल सकती कि मा, बाकी मात्रा है बाकी मात्राएं तो आप लगा लोगे लेकिन आ, आपको कई शब्द ऐसे मिलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाता है किसी शब्द में जैसे इस तरह से मंत्रा मिल जाता है ठीक है या मंत्र मिल जाता है छोड़ो मंत्र मिल जाता है तो मंत्र को कैसे काउंट करोगे म के ऊपर क्या है अंग है तो इसको कैसे काउंट करेंगे इसको हम काउंट करते हैं कि पहला तो एक म है और एक उसमें अंग लगा हुआ है यानी दो चीजें हैं तो इस तरह से इसका काउंट कितना हो जाएगा दो और त्र में तो एक है ही तो बन जाएगा तीन तो जिसके अंदर आपका अनुस्वार लगता है उसको आप कितना काउंट करोगे दो करोगे बट अगर किसी में आपको चंद्र मिलता है जैसे गांव चंद्रबिंदु मिल जाता है तो उसमें आप सिर्फ उस शब्द में देखोगे कि कौन सा स्वर डला हुआ है जैसे ग में आ की मात्रा डला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा दो काउंट हो जाएगा और ये एक तो बन जाएगा तीन यानी इस चंद्र बिंदु का काउंट नहीं होता है लेकिन यहां पर जो है ये म जो है इसका काउंट वन माना जाता है तो म के ऊपर अनु, अगर अनुस्वार लगा हुआ है कहीं पर भी तब आप उसका काउंट कितना लोगे मतलब एक उसका प्लस बना के लोगे और अगर अगर यहां पर क्या हो किसी में चंद्र बिंदु हो तो आप उसका काउंट नहीं लोगे हाँ अगर यहाँ पर किसी मात्रा के ऊपर ये गुरु में से कोई आ जाता है उसके बाद आपको अनुस्वार मिल जाता है तो आप उसको ऐसा नहीं करोगे कि हाँ भाई म के दो यानी माँ के दो हो गए और एक अनुस्वार का हो गया हो गए तीन नहीं तीन तो कभी काउंट आता ही नहीं है एक आएगा है, दो आएगा अगर कोई चीज लघु है और उसमें कोई चीज ऐड हो रही है तो लघु में ऐड करके आप गुरु बना सकते हो यानी उसको दो बना सकते हो लेकिन कोई चीज ऑलरेडी गुरु है तो आप उसको और एक्स्ट्रा ऐड करके ऐसा नहीं होगा कि आप उसको थ्री काउंट करोगे अगर गुरु है तो वो ऑटोमेटिकली गुरु ही रहेगा वो कुछ और कन्वर्ट नहीं होगा ठीक है जैसे अगर आ, किसी शब्द में आपको अनुस्वार मिल जाता है वहां पर आपको कोई शब्द में जैसे मान लो यहां पे माँ मिल जाता है ठीक है तो माँ में आप क्या करोगे पहले तो आप इसमें देखोगे इसमें कौन सा स्वर डला हुआ है अच्छा गुरु डला हुआ है गुरु डला हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये काउंट हो जाएगा गुरु में बट अगर इसमें आपको लघु का स्वर मिलता है तो आप क्या करोगे लघु का का वन और का वन और ऊपर टोटल मिल जाएगा टू बात समझ में आ गई तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्यों क्योंकि कई बार आपको जो भी छंद मिलेगा वहां आपको ऐसे शब्द मिल सकते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसकी काउंट कैसे लेनी है एक और चीज होगी कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि कोई वर्ण जो है आपको आधा मिल सकता है जैसे जैसे उच्चारण हो गया ठीक है उच्चारण हो गया अब आप इसको काउंट कैसे करोगे इसकी मात्रा कैसे काउंट करोगे भाई एक फिर ये आधा अब आधे की तो कभी बात ही नहीं हुई थी लघु या गुरु की बात हुई थी इसको कैसे करेंगे ये आपको डाउट रहेगा यानी कोई भी आपको शब्द जो है वो आधा मिल जाता है उसको कैसे काउंट करोगे तो उसको काउंट करने का रूल क्या होता है कि जैसे आपको ये उच्चारण लिखा हुआ है अब यहां पे देखो कोई चीज अगर आधी है तो आधी को कैसे काउंट करोगे आधी को काउंट करने के लिए जस्ट उसके पहले वाला चीज देखो उसके पहले वाली चीज क्या है अगर उसकी पहले वाली चीज लघु होती है छोटी होती है तब तो क्या करोगे ये छोटा ठीक है और ये छोटा ये आधा ये छोटा और आधा मिलके क्या बन जाएगा गुरु बन जाएगा ठीक है ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे गुरु बन जाएंगे लेकिन अगर यहां पर ये यह ऐसा ना हो के बड़ा वाला होता ऐसा होता कुछ दूसरा शब्द मैं ये उच्चारण तो नहीं कह रही हूं कोई अगर ऐसा शब्द हो जो ये बड़ा वाला होता गुरु होता तब आप क्या करोगे ये ये आधा और ये गुरु मिलके क्या ही बनेगा गुरु ही बनेगा यानी छोटे के साथ दूसरा मिला के बड़ा बना सकते हो लेकिन बड़े के साथ छोटा मिला के बड़ा ही रहेगा उसका छोटा नहीं बनेगा ठीक है तो आप इसमें क्या करोगे अब ऊ अगर छोटा है फिर से ले लेते हैं उच्चारण तो इसको आप कैसे काउंट करोगे कि ऊ और ये आधा ये मिलके क्या बन गए दो बन गए फिर चा में कितना है दो फिर र में एक और र में एक टोटल मिलके कितने बन गए ये छह बन गए और यहीं पर अगर आपका कोई बड़ी चीज होती ठीक है तब आप क्या करते तब आप उस गुरु का इस अगर जैसे मान लो यहां पे बड़ी कोई चीज होता बड़ा बड़ा स्वर में से कुछ होता गुरु में से कुछ होता तो हम क्या करते इसको गुरु ही रखते तब भी इन दोनों का गुरु ही होता तब भी इन दोनों का गुरु ही होता और ये चारण इनको बाकी तो हमको पता है ये कैसे काउंट करना है उस तरह से हम इसको काउंट कर लेते हैं तो लघु गुरु की बात आपको समझ में आ गई कि जब भी हम अगर हमारे पास लघु होंगे तो लघु में हम ये चीज लेंगे और उसके लिए हम वन काउंट करते हैं गुरु के लिए अगर ये मात्राएं होंगी तो हम उसके लिए दो काउंट करेंगे अगर आपको किसी शब्द में अनुस्वार मिल जाता है तो आप उसका वन प्लस काउंट करेंगे और अगर नहीं मिलता है अगर चंद्र बिंदु मिलता है है ना अगर चंद्र बिंदु मिलता है तो उसका कोई काउंट नहीं होता है वो जो आपका शब्द होता है उसी के साथ ही इंक्लूड होता है नेक्स्ट आता है आपका कोई चीज अगर आधी होती है तो उसके लिए आपको देखना है कि उसके जस्ट पहले वाला कौन सा वर्ण है अगर उसके जस्ट पहले वाला लघु है तब तो काउंट हो के दो हो जाएगा और अगर गुरु है तो वह गुरु का गुरु ही रहेगा ठीक है तो ये होती है वर्ण मात्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक बार फिर से ध्यान से अगर चाहिए तो एक बार फिर से रिप्ले करके फिर से देख लेना ताकि मात्राएं काउंट करना आ जाएंगी तभी आप आगे देख पाओगे कि कौन सी चीज क्या होती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं गति अब गति क्या होता है? Means flow. जब भी आप, हो, तो हो आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं या कोई भी चीज हम चालीसा वालीसा पढ़ते हैं कुछ भी पढ़ते हैं तो हम उसको थोड़ा सा एक अलग में पढ़ते हैं ऐसे नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल पाठ की तरह पढ़ते जाते पढ़ते जाते हैं ऐसे नहीं पढ़ते हम उसको एक लय के साथ पढ़ते तो तीसरी चीज उन्होंने क्या कही है कि पहली तो थी आपका चरण होना चाहिए दूसरा आपको मात्राओं वाली चीजें काउंट करनी होती है तीसरा बोला है क्या कि गति होनी चाहिए प्रवाह होनी चाहिए यानी कि छंद का पाठ के समय जब हम प्रवाह अनुभव करते हैं कोई गति या लय अनुभव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं गति कहते हैं यानी तीसरा पॉइंट इसमें गति होनी चाहिए नेक्स्ट आता है यति या विराम यति विराम मीन्स जब आप बोल रहे होंगे तो आपको कहीं कहीं रुकना भी होता है ठहराव लेना होता है उसी को हम क्या कहते हैं यति या फिर विराम छंद का पद्य का पाठ करते समय पाठ को द्वारा कुछ सांस लेनी होती है रुकना होता है हम चालीसा पढ़ते हैं पढ़ते जाते पढ़ते जाते तो रुक जाएंगे ना तो कुछ टाइम के लिए हमको रुकना पड़ता है तो उस रुकने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं यति या विराम बोलते हैं आप जब भी कोई छंद लिखते हो तो आपको उसमें कॉमा दिखता है एक चरण के बाद तो वो क्या होता है वो हमारा एक ठहराव होता है उस पर उस समय पर हम हल्का सा एक सांस लेते हैं ताकि हम आगे की लाइंस जो हैं उनको बोल पाए तो यानी उसके लिए हमको रुकना होता है और उस रुकने को ही हम क्या कहते हैं यति या फिर विराम कहते हैं नेक्स्ट आता है तुक तुक क्या होता है तुक जिसको इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं जैसे हम बोलते हैं ना बैट कैट हैट मैट तो क्या है एक जैसा हमको दिखता है ऐसा ही हमारा इंग्लिश के पोम में भी होता है जब हम स्टैंडा देखते हैं तो उसमें कोई चीज हमको इस तरह से दिखती है राइमिंग्स की तरह दिखती है कि हाँ भाई इसमें चल रहा है तो इन्होंने कहा है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है तुक यानी कि जब भी हम कोई भी छंद लिखते हैं तो उनमें हमको तुक वाली चीजें लेनी होती हैं राइमिंग वर्ड्स लेने होते हैं ठीक है ऐसे शब्द जिसमें समान उच्चारण समान उच्चारण दिखता है बिल्कुल राइमिंग वर्ड्स होते ही क्या है समान उच्चारण जैसे गहन सहन महन तहन तो ये क्या है एक जैसा साउंड दिखता है तो तुक होना चाहिए उदाहरण के लिए मुक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरीवर गहन जासु सो दयालु दबू संकल कलिभल दहन तो गहन दहन एक जैसा राइमिंग आ रहा है ना तो तुक होना चाहिए नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है कि जब भी आप कोई छंद लिखोगे तो उसमें तुक होना चाहिए ये एक इनका नियम है एक बंधन है तो अब सोचो कोई चीज कोई लिखेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी तभी वो लिख पाएगा वरना वो नहीं लिख पाएगा तो उसको पहली चीज क्या करनी पड़ेगी अच्छा हाँ मेरे को चरण में डिवाइड करना है मेरे को गति भी देनी है मुझे विराम भी देना है मुझे तुक भी लेना है मुझे वर्ण मात्राओं का भी काउंट देखना है कि कैसे कैसे करना है वो भी आपको आगे मिलेगा कि छंद में किस किस टाइप का हमको काउंट करना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा गण गण यानी कि ग्रुप ग्रुप क्या है कि गण में क्या करते हैं हमको कुछ लघु गुरु लघु गुरु जो हमने इतना पढ़ा है उसके आधार पर हमको एक ग्रुप बनाने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं उनको हम तीन वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं यानी तीन होंगे तीन वर्ण बनेंगे उसको हम गण कहते हैं एक दो तीन जैसे मान लो हमने बोला कमला है ना या गहन दहन तो क्या है एक दो तीन तो इन तीन तीन से क्या बनते हैं गण बनते हैं और ये गण क्यों पढ़ने होते हैं ये पढ़ने इसलिए होते हैं कि जब आप इनको लिखोगे जब आप कोई भी छंद लिखोगे तो किसी किसी छंद में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं और उसमें गण कहे जाते हैं कि भाई ये गण इस इसमें ये वाला गण निषेध होगा इसमें ये गण निषेध होगा तो गण मिन्स, गण मिन्स की उसमें उस टाइप का एक शब्द जो है वो वो वाला आपको नहीं लेना होगा अभी मैं समझाऊंगी कैसे तो इस आधार पर क्या है गण आठ प्रकार के होते हैं एट टाइप्स के होते हैं कौन कौन से यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण अब आपको याद नहीं हो पाएगा ये तो उसके लिए क्या हो गया है एक छोटी सी आपको एक शब्द याद करना है जिससे आप इजीली सारा ये कंप्लीट बना लोगे क्या है वो यमाता राजभानस लगा ठीक है यमाता राजभानस लगा आपको ये शब्द अगर आप ये वाला पढ़ लोगे याद कर लोगे तो आप आराम से अपने ये सारे जो गण हैं, इनको बनाना भी सीख जाओगे और इसके आगे की जो लिस्ट है उसको भी आप इजीली समझ आओगे कि क्या होता है ये तो ये जितने भी गण हैं उनके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है यमाता राजभानस लगा कैसे देखो ये आपको एक चिन्ह वाली साइन मिलेगी जिसमें आपको गण निर्धारित होते हैं ये गण क्यों निर्धारित किए जाते हैं जब हम कोई भी छंद लिखते हैं ना तो उस छंद में आपको कई बार ऐसा बोला जाएगा कि भाई इसमें ना जगण और तगण निषेध है जगण और तगण निषेध है ये आपको ज्यादा काम नहीं आएगा लेकिन मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि किसके मतलब आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जगण तगण क्या भाई अगर ऐसा एक परिभाषा आएगी आपके आगे कि इसमें जगण तगण निषेध है तो जगण मीन्स क्या होता है तो आपको अगर देखोगे जगण 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 का है ये रहा तो जगण में क्या है आपको इस टाइप का कुछ चिन्ह मिल रहा है चिन्ह मीन्स चिन्ह का मतलब है वन इस तरह से एस और वन इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर क्या होगी लघु मात्रा ये है गुरु मात्रा और ये है लघु मात्रा इसका मीनिंग क्या है कि जब भी ये जिस परिभाषा में ऐसा आएगा कि भाई इसमें जगण और तगण निषेध है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा शब्द होगा जो निषेध होगा यानी कि नहीं होगा जब आप कोई चीज लिख रहे होंगे कोई छंद लिख रहे होंगे तो इस पॉइंट पर इस आ, एंड वाले पॉइंट पर आपको कहा जा रहा होगा कि ये वाला निषेध होगा मतलब ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा मतलब ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसमें कि जैसे लघु गुरु लघु यानी कि लघु छोटी मात्रा बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा ऐसा वाला कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए वहां पर ये चीज जा आ जाएगी कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये एक रूल है इसको आपको कैसे बनाना है वो देख लो हमने क्या याद किया था या माता राज मानस लगा एक चीज याद रखनी है हमको कि इसमें कितने गण होते हैं आठ गण होते हैं ठीक है चीज हमको ध्यान रखनी है अब आप क्या करोगे सबका स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेते जाओ ऐसे ले लो अब इसके ग, इसके आगे गण गण लिख दो, तो ये तो गण तो आपको याद हो जाएंगे कि भाई ये गण होते हैं अब आपको कैसे पता चलेगा कि, कि किसका कितना मात्रा क्या होगा ये चिन्ह कैसे बने वो कैसे बनेंगे स्टार्टिंग के तीन तीन लेने क्योंकि गण क्या कहा है कि गण होते तीन के यमाता लो तो यमाता फिर इस य को छोड़ दो फिर लिखो मातारा मातारा फिर इस म को छोड़ो लिखो ताराज ताराज फिर उसके बाद ता को छोड़ो राजा भाजा भा, भा ले लिया फिर रा को छोड़ना ज बा जान ये जान फिर ज को छोड़ो भानस भानस फिर भा को छोड़ो न ल न ल फिर न को छोड़ दो स ग और स ग अब इसका मात्रा काउंट कैसे हुआ है य क्या है लघु होता है इसमें हम एक लगाएंगे म में आ की मात्रा है दो काउंट होता है तो इसलिए एस लगा देंगे फिर ऐसे ही त, त में आ की मात्रा है तो एस लग जाएगा म में क्या है दो मात्राएं होंगी तो हमने एस लगाया त में आ और रा में भी आ तो एस 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 हो गया ऐसे ही ता में बड़ा है तो एस लगेगा तो रा में भी एस लगेगा और ज में एक है तो वन लग जाएगा इसी तरह से आप बाकी के भी काउंट कर लो क्योंकि इसमें कुछ ऐसा आधा तो जगण वर्जित है इसमें तगण वर्जित है तो तगण जगण क्या होगा आपको जैसे ही जगण देखोगे कि अच्छा जगण जगण में क्या होगा जगण में हमको कि भाई इस तरह से ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा वैसे इतना डीप में नहीं आता है लेकिन परिभाषा लिखते समय आपको पता होना चाहिए यानी ये चीज आपको पता होना चाहिए कि गण होता क्या है गण यानी कि आपके जो भी शब्द लिए जाएंगे उसमें तीन-तीन शब्दों का कोई ग्रुप बनता है तो ये होता है गण अब ये हो गए हमारे सारे अंग कौन-कौन से हो गए हमने अंग पढ़े थे चरण वर्ण मात्रा गति यति तुक और गण अब आती है बात कि ये जो छंद होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं और हमारे सिलेबस में कितने आते हैं छंद और भी बहुत सारे हैं लेकिन टोटल जो है छंद तीन प्रकार के होते हैं प्रकृति के आधार पर मात्रिक छंद वर्णिक छंद और स्रिफ और और मुक्तक मुक्तक छंद 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 हमारे सिलेबस में सिर्फ सिर्फ मात्रिक ही पूछा जाता है वर्णिक नहीं पूछा जाता है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ मैं आपको बताऊंगी वर्णिक छंद क्या होते हैं और मुक्तक छंद क्या होते हैं देखो भाई मात्रिक छंद क्या होगा जिसमें हर चीज जो भी हम छंद लिख रहे होंगे वो मात्रा के आधार पर होगा उसमें हर बार मात्रा के बारे में बात हो रही होगी ठीक है वर्णिक छंद जिसमें वर्ण के आधार पर होगा यानी उसमें कुछ वर्ण एड ऑन होते रहते होंगे उसके आधार पर होगा और मुक्तक छंद क्या होता है जिसमें कोई रूल्स ही नहीं होते हैं ऐसे ही कुछ भी मन से बना के लिख दो जो आज के चलन में है आज के चलन में क्या है हम क्या करते हैं हम कोई भी चीज कहीं से भी कुछ भी डाल के कुछ भी बना देते हैं हो सकता है उसमें राइमिंग वर्ड जो आपके तुक हैं वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं तो इस तरह से आपको कुछ अलग 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 मिलेगा तो ये होते हैं मुक्तक छंद जैसे हम आजकल क्या देखते हैं रैप देखते हैं ना ये रैप क्या है इसमें कुछ होता है क्या कुछ का कुछ वहां से डाल के गाना बना देते हैं तो आज का चलन ऐसा हो गया है तो ऐसे हिंदी में भी मुक्तक छंद हो गए जिसमें कोई रूल्स नहीं होते इस टाइप के कुछ नियम बंधन नहीं होते बस कुछ भी बना देते हैं उसको छंद का नाम देते हैं बोल देते हैं ये तो मुक्तक छंद है ठीक है तो इस तरह से मुक्तक छंद होते हैं आपके सिलेबस में सिर्फ मातृक छंद है तो हम भी मातृक छंद ही पढ़ेंगे मातृक छंद कितने प्रकार के होते हैं मातृक छंद तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से सममात्रिक विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद नाम से ही पता है सम विषम हमको पता है और अर्ध भी पता है लेकिन फिर भी हम परिभाषाएं देख लेते हैं सममात्रिक छंद क्या होता है सम यानी कि जिसमें समान मात्राएं होंगी जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती हैं उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं जब एक छंद देखेंगे तो उसमें चरण होते हैं उसमें मात्राएं होती होंगी तो हर बार जब सेम सेम मात्राएं होंगी यानी सब में समान मात्राएं होंगी उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं दूसरा आता है विषम मात्रिक जिस छंद की सभी मात्राएं क्या होंगी विषम यानी कि कोई कितने की कोई कितने की मतलब अलग अलग कोई काउंट नहीं कोई कुछ नहीं सब कुछ अलग अलग मात्राएं होंगी हर एक चरण में हर एक लाइन में आपको डिफरेंट मात्राएं मिलेंगी मतलब अलग मात्राओं का काउंट मिलेगा उसको हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद नेक्स्ट आता है सम मात्रिक जिसमें क्या होगी आधी समान होंगी तो जिस छंद की जिस छंद की आधी मात्राएं क्या होंगी आधी मात्राएं समान होंगी उसको हम क्या कहते हैं अर्ध सममात्रिक यानी चार चरण होंगे तो उसमें से दो समान होंगी, दो समान नहीं होंगी उसको हम अर्ध सममात्रिक कहते हैं तो आपके लिए क्या है जब आप परिभाषा देखोगे अगर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वहां पर परिभाषा पूछी जाती है और उसका एक उदाहरण पूछा जाता है तो परिभाषा के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए तभी तो आप परिभाषा लिखोगे कैसे लिखोगे परिभाषा तो परिभाषा का एक पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो कि ये किस प्रकार का छंद है ठीक है तो एक पॉइंट आप वहां से बना लोगे फिर दूसरा पॉइंट आप उसमें मात्राएं और बाकी की जो परिभाषा अभी हम आगे देखेंगे वो देख लोगे तो परिभाषा के लिए आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसमें हमको एक पॉइंट डालने को होगा कि भाई ये क्या होता है भाई ये जो छंद है कैसा है सममात्रिक है विषम मात्रिक है या फिर अर्ध सममात्रिक कैसा है Osionfish. तो वो हम बता सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छंद के प्रकारों में और मात्रिक छंद में पहला छंद देखेंगे कौन सा वाला दोहा जो हम बोलते हैं इतने सारे दोहे इतने सारे हमने लाइफ में दोहे देखे हैं अब से पहले हम बहुत बार देख चुके हैं लेकिन कई कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये दोहा क्यों है चौपाई क्यों नहीं है चौपाई नहीं है तो सोठा क्यों नहीं है दोहा है तो रोला क्यों नहीं है ये हमारे माइंड में कभी नहीं आया क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं लेकिन ये जो लिखा जाता है इसको कब दोहा बोला जाता है कब चौपाई बोला जाता है उसके लिए रूल्स होते हैं तो दोहा के लिए क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण प्रथम और तृतीय आते ही क्या हो जाएगा पहला और तीसरा पहला तीसरा मीन्स आपके माइंड में ऐसे आ जाएगा कि ये तो वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है तो क्या कहा इसने पहले और तीसरे में क्या होंगी तेरा तेरा मात्राएं होंगी यहां भी थर्टीन मात्रा होगी यहां भी थर्टीन मात्रा होगी तथा द्वितीय और चतुर्थ यानी दो और चार यानी सम में कितनी होंगी ग्यारह ग्यारह होंगी यहां इलेवन होंगी यहां इलेवन मात्रा होगी तो उसे आप क्या कहते हो दोहा छंद कहते हो और ये कैसा छंद है ये एक सममात्रिक छंद है बिल्कुल अर्धमात्रिक है ना आधी इसमें सेम है आधी इसमें सेम है इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है तो दोहा की परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं दोहा में क्या होता है प्रथम और तृतीय में मात्राएं होती हैं द्वितीय और चतुर्थ में मात्राएं मात्राएं होती हैं अब हमने काउंट करना सीख ली तो हम आराम से देख सकते हैं आराम से देख भी सकते हैं और आपके सामने कभी भी कोई भी इस टाइप का कुछ भी आ जाएगा आप काउंट करके बता दोगे कि ये दोहा है या नहीं है क्यों क्योंकि हमें रूल्स पता है कि दोहा किस वजह से होगा रो, दोहा होगा तो उसका प्रथम और तृतीय चरण कितना कितना होगा तेरा तेरा मात्राएं का होगा और द्वितीय और चतुर्थ कितना होगा ग्यारह ग्यारह हो करके देख लेते हैं उससे हमको और क्लियर हो जाएगा रहीमन धागा प्रेम का हमने दोहा पढ़ रखा है ये वाला रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परि जाए काउंट करना शुरू करते हैं देखो रहीमन तो रह चाहो तो सीधा साइन लो चाहो तो सीधा नंबर लिख लो नंबर लिखोगे वो भी इजी रहेगा काउंट करना इजी रहेगा र में एक ह में भी छोटी की मात्रा है तो एक म एक न एक ये तो समझ में आ गया ना कि अब ये कैसे हो रहा है कि इसमें लघु लगी हुई है तो लघु में हम एक काउंट करते हैं ध में दो आ जाएंगे क्योंकि आ की मात्रा है ग में भी दो की दो मात्राएं आ जाएंगी अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे दो चीजें एक तो इसमें र भी ऐड है इस प में र भी ऐड है और एक ही मात्रा है तो मैंने क्या बोला था आपको मैंने कहा था कि अगर ऑलरेडी गुरु है तो दिमाग ही नहीं लगाना है गुरु ही रखना है तो इसको हम कैसे बना देंगे इसको हम इसमें एक ही मात्रा है तो इसमें हम ऑलरेडी दो ले लेंगे अगर मान लो यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं होती ठीक है एक ही मात्रा नहीं होती प्र होता तब भी कितना लेते दो लेते क्यों क्योंकि प और र दो मिलके क्या हो जाएंगे दो हो जाते लेकिन ये ऑलरेडी गुरु दे रखा है तो आप इसको बड़ा ही काउंट करोगे छोटा काउंट नहीं करोगे तो यहां तक हो गया फिर म के लिए एक फिर क में कितनी है दो अब इनको काउंट करके देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह आ गया तेरा तेरा काउंट हो गया अब अगर हम हमको यहाँ ये यह चीज नहीं पता होती तो हम फंस जाते हम समझ हमें, हमें समझ ही नहीं आता हमें क्या करना है हम फिर क्या करते अच्छा इसमें प्र में एक ही मात्रा है दो और आधा इसका है इसको ले लेते हैं एक और काउंट करते तो मिल जाता फोर्टीन और फोर्टीन तो होता ही नहीं है ये तो रूल्स के अनुसार है ही नहीं तो रूल्स के अनुसार है इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है कि कब कैसे काउंट किसको करना है नेक्स्ट देखते हैं मत मत में क्या है एक ये दो ये दो 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 इसका भी छ में 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 एक आएगा, में एक आएगा आएगा ट क आएंगे और य में एक. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह आ गया ग्यारह काउंट नीचे वाले का भी करके देख ही लेते हैं ट में बड़े की मात्रा है तो दो ट में बड़े की मात्रा है दो इसमें भी दो स में दो फ में एक र में एक, ना में, दो, म में एक और ल में दो 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 चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है इसका भी थर्टीन काउंट आ गया इसको देखें यहाँ पर एक इसकी दो गांठ में मैंने क्या बोला था चंद्रबिंदु में जो मात्रा लगी हुई वही काउंट करनी है ऊपर के चंद्रबिंदु को काउंट नहीं करना है तो यहाँ पे में क्या लगा हुआ है आ की मात्रा लगी तो उसको दो ले लेंगे ठ में एक प में एक रो और य में एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है दोहे को हाँ कर रहा है अब आप कितने भी दोहे उठा के देख लेना सबके काउंट करके देख लेना आपको इसी तरह से मिल रहा होगा और करना ये जरूर क्योंकि इससे कई बार ऐसा होगा बहुत सारे दोहे में आपको आधे अधूरे वर्ण मिल रहे होंगे तो उनको भी आपको काउंट करना आ जाए इस तरह से आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना तो ये हो गया हमारा दोहा जिसमें प्रथम और तृतीय में तेरह तेरह होनी चाहिए द्वितीय और चतुर्थ में ग्यारह रखना अभी आगे आगे जाके कंफ्यूज होने वाले हो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं Next आता है चौपाई चौपाई कब चौपाई बनेगी उसके लिए रूल्स होते हैं कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है सममात्रिक छंद यानी कि समान मात्राएं आएंगी जैसे हमने अभी देखा था दोहा में दो चरण जो थे वो कैसे थे अलग थे दो चरण अलग थे लेकिन चौपाई में क्या होता है सब में सारी मात्राएं एक समान आती हैं और इसके चार चरण होते हैं वो सब में होते हैं और चार चरण में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? सोलह सोलह मात्राएं होती हैं कितनी मात्राएं होती हैं सोलह सोलह मात्राएं होती हैं और अंत में जगण और तगण के प्रयोग का निषेध होता है अब आपको यहाँ पे जगण तगण अगर याद वो लिस्ट याद थोड़ी रखोगे आप क्या करो अपने माइंड में लिखो माता राज भानस लगा ये लाइन लिख लो अब यहां पे क्या बोला इसने जगड़ तो ज का है येरा यहां से ये वाला ले लो और दूसरा क्या बोला था तगण तगण रहा तो जगण में तो क्या था भ मा सॉरी न और तगण में क्या है ताराज मींस इसकी मात्रा काउंट करूं तो एक एस और एक और इसकी काउंट करूं तो एस एस एक इसने बोला है क्या कि जगण और तगण जगण और इनमें क्या करना है ये दो चीजें जो है अवॉइड करनी है मतलब ये नहीं आएंगी ये नहीं आएंगी। मतलब जब आप चौपाई देखोगे तो आपके पास लास्ट में इस टाइप से कुछ नहीं मिल रहा होगा यानी गुरु और लघु वाला कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा होगा ठीक है इससे ये बात समझनी है कि गुरु और लघु वाला कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा होगा चौपाई में तो जब भी आपको कोई चौपाई देखनी होगी तो आपको क्या देखना पड़ेगा पहले तो सोलह मात्राएं देख लो कि हाँ सब में सोलह सोलह मात्राएं हैं हाँ है दूसरा पॉइंट क्या देख लो कि उसमें गुरु लघु गुरु लघु का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है क्या अगर है तो फिर वो चौपाई नहीं होगी वो कुछ और ऐसे ही कुछ भी लिख दिया होगा तो आपको ये वाली चीज देखनी है ठीक है अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं और मात्राएं भी काउंट कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि मात्रा कैसे होती है निर्खी सिद्धि साधक अनुरागे सहज सनेहु सराहन लागे होत भरत को अचर सचर चर अचर करत को ठीक है सबका काउंट करके देखना मैं सिर्फ दो काउंट का करवा रही हूं बाकी का आप खुद काउंट करके देख लेना कि सिक्सटीन है या नहीं है देखो काउंट करना शुरू करते हैं न में एक र में एक ख में एक स में एक क्योंकि छोटी छोटी द अब देखो द में आधा है तो द पूरा उसमें फिर आधा डला हुआ है मैंने बताया था कि जब लघु के अंदर कोई चीज़ है, आधी कर रहे हो, तो उसको आप दो काउंट कर सकते हो लेकिन कोई चीज़ होती। दो ही रखते नहीं, दो का दो ही रखोगे लेकिन दो का तीन नहीं करोगे एक का दो कर सकते हो लेकिन दो का दो ही रहेगा ठीक है तो द का कितना हो जाएगा दो काउंट करेंगे सा में दो ध में एक क में एक अ में एक न में एक रा दो और गम गे में दो काउंट करते हैं सबको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है ये हो गया यहां पे आपकी सिक्सटीन काउंट हो गई नेक्स्ट वाला करके देख लेते हैं एक दो तीन अब मैं लिख नहीं रही हूं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है बाकी के जो दो है यह आप खुद की संतुष्टि के लिए काउंट करके देख लेना कि सिक्सटीन है या नहीं है तो इस तरह से हर एक चरण में क्या है चार सोलह सोलह मात्राएं हैं और हर एक चरण जो है वो समान है इसलिए इसको सममात्रिक छंद कहते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं सोठा सोठा क्या होता है सोठा उसकी परिभाषा देखते हैं उसका रूल्स क्या है उसका रूल्स ये है कि इस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती है यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो अब क्या करना ऐसे सोचना ये है ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आपसे पहले हमने, आप से पहले हमने दोहा की परिभाषा देखी थी जिसमें अपनी परिभाषा में कि ये दोहे का उल्टा होता है क्यों क्योंकि दोहे में पहले तीसरे में तेरह तेरह थी लेकिन यहां पे क्या होंगी ग्यारह ग्यारह होगी तो उसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है ग्यारह यानी यहां ग्यारह यहां पे ग्यारह और द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होती है तेरा तेरा मात्रा यानी यहां पर तेरा यहां पर तेरा अब आपको जो भी इस टाइप का छंद दिखेगा वो दोहा भी हो सकता है वो सोठा भी हो सकता है अब आप ज्ञानी हो गए आपको पता है कि कैसे कौन सा क्या होगा आप बोलोगे मुझे मात्रा काउंट करना आती है मैं बता सकता हूँ ये दोहा है या दो सोठा है कैसे पता करोगे आप मात्रा काउंट करोगे और आपको रूल्स पता है कि दोहा में तो तेरा तेरह होती है पहले और तीसरे में और सोठा में ग्यारह ग्यारह होती है जो चीज उल्टी हो जाए वो समझो सोठा है और रोला है तो क्या हो गया पहले और तीसरे में ग्यारह ग्यारह और दूसरे और चौथे में हमको तेरह तेरह मात्राएं देखनी होती है ये एक अर्द सममात्रिक छंद है बिल्कुल क्योंकि इसमें भी आधी आधी मात्राएं समान है ये दोहे का उल्टा होता है ये भी बात सही है इसके सम चरणों में जगण नहीं होता इसके सम चरण, यानी कि ये जो होते ना इसमें जगण नहीं होता जगण अभी हमने देखा था तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि जगण यानी कि यहां पर ऐसा गुरु लघु वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा ठीक है उदाहरण देखते हैं उदाहरण क्या है जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सॉरी सदन ठीक है अब यहाँ पे इसने क्या बोला था कि जगण नहीं होगा जगण कि आपके पास जो गुरु और लघु जो है उसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा यानी यहाँ की जो दो मात्रा है ना इसमें गुरु लघु नहीं होगा कभी भी ऐसे गुरु लघु नहीं होगा ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है और अब आगे हम मात्रा काउंट करके देखते हैं चलो भाई पहले वाली को काउंट करते हैं क्या हो जाएगा दो एक, एक 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 दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह आ रही है भाई ग्यारह हाँ आ रही है ठीक है इसका ग्यारह काउंट आ रहा है एक इसका भी करके देख लेते हैं ठीक है एक एक दो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह आ रही है भाई आ रही है नेक्स्ट वाला आपके लिए नीचे के लिए होमवर्क है इसको मैं बता देती हूँ अनुग्रह को कैसे करोगे बाकी तो आप कर लोगे इसको भी मैंने अभी भी आपको बताया था इजीली कर लोगे इसको कैसे करोगे भाई ये देखो देखो अनुग्रह में करह के लिए कैसे लिखोगे भाई चलो मैं कराई देती हूँ एक एक, एक ठीक है अ के लिए एक न के लिए भी एक ग में क्या है भाई देखो ग और एक र है मैंने बताया ना कि अगर लघु है उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तब तो आप उसको दो काउंट कर लोगे के लिए एक स के लिए दो और य के लिए एक काउंट करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है इसको काउंट करो कैसे करोगे ब के लिए एक क्योंकि ऊ की मात्रा है ना द में क्या लगा हुआ है छोटी की मात्रा लगी हुई है और आधा ध भी है अगर इसमें बड़ी की मात्रा होती तब हम क्या करते हैं बड़ी की मात्रा को ऑलरेडी दो बना के लिख देते लेकिन इसमें छोटा है प्लस इसमें एक और चीज जुड़ा हुआ है तो इसको दो बना देंगे र में दो है स में एक स में भी एक ब में एक ग में एक नौ एक। एक, चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा ठीक है तो ये हो गया हमारा कौन सा सोठा क्लियर आगे बढ़ते हैं तो सोठा के लिए क्या होगा दोहा का जस्ट उल्टा होगा वहां तेरह और तेरह का कॉम्बिनेशन होता था पहले और तीसरे में यहाँ पे ग्यारह ग्यारह का होगा आगे बढ़ते हैं आगे आ गया रोला यहाँ और कंफ्यूज हो जाओगे आप क्यों देखो कैसे इसका पहले हम रूल देख लेते क्या है भाई यह एक सममात्रिक वाला क्या था सोठा जो था वो अर्ध छंद था लेकिन ये क्या है सममात्रिक यहाँ कुछ कंफ्यूज होने वाली चीज हो जाएगी वो क्या होगी वो देखना इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में क्या होंगी 24 मात्राएं होंगी यानी ये आपको इस तरह से एक पंक्ति में दिखेगा लेकिन इसमें ये चरण वाइज डिवाइड होगा लेकिन इसको काउंट कैसे किया जाता है इसको चरण वाइज काउंट न करके इसको इस तरह से काउंट किया जा रहा मतलब ये एक चरण होगा ये दो चरण होगा और इसमें कितनी मात्राएं होंगी चौबीस मात्राएं होंगी एक में चौबीस फिर एक में चौबीस ऐसे मात्राएं होंगी लेकिन जब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा सा सोठा वाला फील दे रहा होगा कि ये कही कहीं ना कहीं सोठा भी हो सकता है क्योंकि सोठा में क्या होगा सोठा में ऐसा होता है ना भाई ग्यारह और तेरह का कॉम्बिनेशन है ठीक है यहाँ पे भी आपको ग्यारह और तेरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा ग्यारह और तेरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये चीज क्योंकि इसने एड किया है कि चौबीस मात्राएं होती है और ग्यारह और तेरह पर आपको क्या मिलेगी यति मिलेगी यानी आपको यहाँ पे विराम मिलेगा कॉमा मिलेगा तो 11 तेरह पे मिलेगा तो हमको ये लगेगा अरे ये तो रोला है तो सोठा में भी तो ऐसा होता है सोठा में भी 11 तेरह का कॉम्बिनेशन होता है तो सोठा रोला से कब कैसे डिफरेंट होगा उसके लिए भी आपको कोई चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि कब ये सोठा होगा कब ये रोला होगा क्योंकि दोनों में मात्राएं तो सेम सेम हो रही है दोहा में तो चलो सबसे बिल्कुल अलग ही गंगा बहती है उसकी उल्टी लेकिन रोला और सोठा में तो सेम सेम दिखता है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है प्रत्येक चरण के अंत में दो लघु दो गुरु वर्ण होते हैं क्या होगा प्रत्येक चरण के अंत में जो अंत वाला चरण है ना मतलब अभी पे तो तो दो 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 ही चरण 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 बोले इन्होंने इन्होंने एक में 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 मतलब मात्राएं होती होती है दूसरे में चौबीस होती है तो दूसरे चरणों क्या कहा है कि प्रत्येक चरण के अंत में या तो आपको दो लघु मिलेंगी या दो गुरु वर्ण मिलेंगे मतलब यानी कि अंत में जो अंत में आपको जो शब्द मिलेंगे ना ये चरण के अंत में यानी यहां पर यहां पर जो प्रत्येक चरण का जो अंत है उस अंत में आपको क्या मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा कि इस तरह से आपको सूप मिल जाएगा कि भी एक बड़ा एक छोटा नहीं मिलेगा तो सेम मिलेगा तो सब मिलेगा यानी इस तरह से दो मिलेंगे तो छोटे मिलेंगे और मिलेंगे दोनों तो बड़े मिलेंगे जैसे सूपू लिखेंगे या कुछ भी लिख देंगे तो इस तरह से बड़े बड़े मिलेंगे तो ये आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है कि या तो क्या होगा दोनों सेम होंगे गुरु गुरु होंगे तो गुरु गुरु होंगे लघु लघु होंगे तो लघु लघु होंगे ठीक है तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है अब इसमें हम देखते हैं इसका उदाहरण और इसकी काउंट करने की चीज भी देखेंगे कि क्या काउंट करना है और एक चीज मैं आपको और एक चीज बताऊंगी जिससे आप पता कर सकोगे कि रोला और सोठा में क्या डिफरेंस है जिससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा रोला है कौन सा सोठा है देखो अब यहां पे बाहर आया माल सेठ ने जोया चांपा बंद जेल में हुए दबा बिन मिटा जुटा मोटापा ठीक है पहली चीज ग्यारह और तेरह का देखना है ठीक है ग्यारह और तेरह तो मिल जाएंगे अब ग्यारह तेरह से आप ये तो पता कर लोगे कि चलो दोहा नहीं है लेकिन रोला है या सोडा है उसके, उसके लिए उसके लिए क्या कैसे पता करोगे तो उसके लिए आपके पास एक पॉइंट है वो पॉइंट क्या है है कि जो होता है ना उसमें हमेशा पहला और तीसरा यानी कि यहां और यहां वाला जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो सेम सेम होता है मतलब तुक वाला होता है राइमिंग वाला होता है कैसे अगर मैं आपको पीछे बैक करके दिखाती हूँ ये देखो यहां पर क्या दे रखा है होए सोए मोए धोए रोए पोए एस, ऐसे टाइप का आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा तो जब भी आप सोठा देखो तो सोठा में ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे क्या होगा हमेशा कॉम्बिनेशन हो रहा होगा राइमिंग वर्ड्स तुक्त हो रहे होंगे बट रोला में ऐसा नहीं हो रहा होगा ठीक है तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखोगे और दूसरी चीज आप कैसे ध्यान रख सकते हो तो पहचान के लिए कि पहचान में यहां पर क्या होगा यहां पर आपको जो लास्ट के जो दो है ना अक्षर वो आपको कैसे मिलेंगे या तो लघु लघु या तो गुरु गुरु ऐसे मिलेंगे तो देखो भाई यहाँ पे गुरु गुरु है पे भी गुरु गुरु है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब काउंट करने वाली बात है वो हमको आता है अब तो माहिर हो गए काउंट करने में तो काउंट कर लोगे कैसे जो भी दे रखा है उसको काउंट कर लो पहली लाइन में आपको काउंट करके दिखा देती हूँ इसमें काउंट कैसे लेना होता है चौबीस लेना होता है टोटल की आपकी टोटल चौबीस होनी चाहिए और ग्यारह और तेरह पे आपका विराम होना चाहिए तो दो एक एक दो 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 एक ठीक है तो कितना हो गया दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है नेक्स्ट इसको भी करोगे तो तेरह आ जाएगा इसका करोगे तो दो एक दो दो, दो, दो। चंद्रबिंदु को मैंने बताया ना चंद्रबिंदु का काउंट नहीं होता है जो भी उसके नीचे होता है उसी को काउंट कर दें दो और एक तीन तीन और दो पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है टोटल हो जाएगा चौबीस ग्यारह और ग्यारह और तेरह चौबीस तो इस तरह से काउंट कर लोगे तो रोला में क्या ध्यान रखोगे और सोठा में क्या ध्यान सोठा में जो आपके विषम वाले हैं उनके लास्ट में विषम वाले चरणों में राइमिंग वर्ड्स होते हैं ठीक है तुक होता है और इसमें नहीं होता है इसमें क्या होता है इसमें लास्ट में आपको गुरु गुरु या लघु लघु का कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा आगे बढ़ते हैं कुंडली ये मैं क्यों करवा हूँ क्योंकि अभी एक्सरसाइज करवाऊंगी एक में जिसमें आपको पहचानना होगा ये क्या है लास्ट आता है हमारा कुंडलिया जो बहुत कम पूछा जाता है आता नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हम पूरा मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कुंडलिया में कुंडल कुंडलिया जो है वो एक प्रकार उसमें क्या होता है ये एक छंद होता है जिसमें एक दोहा भी होता है और एक रोला से मिलकर बना होता है यानी इसमें दो चीजें कंबाइंड होती हैं पहले दोहा फिर रोला दोनों चीजें आएंगी तो दोहा में क्या होगा तेरह और ग्यारह का कॉम्बिनेशन होगा फिर जैसे ही रोला स्टार्ट हो जाएगा उसमें एक लाइन में चौबीस वाला काउंट स्टार्ट हो जाएगा यानी कि ग्यारह और तेरह का स्टार्ट हो जाएगा दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होगा दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि जो दोहे का जो प्रथम शब्द यानी फर्स्ट शब्द जो होगा ना वही दोहे के एंड का शब्द होगा तो ये पहचान बहुत अच्छी है पता चल जाएगा कौन सा कुंडलिया है ठीक है नेक्स्ट इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण इसकी दूसरी पंक्ति यानी ऐसे पंक्तियां होंगी इसकी दूसरी पंक्ति यानी दूसरी जो ये पंक्ति है इसका अंतिम चरण यानी दो चरण होंगे तो उसका जो अंतिम चरण है इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तो अंतिम चरण यानी कि ये वाला चरण जो है तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होगा बात को अच्छे से समझना क्या बोल रहे हैं ये पहचान करने के लिए हमको आना चाहिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो पहला शब्द है पहला शब्द है वो अंतिम शब्द होगा दूसरा इन्होंने बोला है कि दूसरी पंक्ति का जो अंतिम चरण है वो तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होगा यानी जो दूसरा वाला होगा हो वो रिपीट हो, हो रहा होगा यहां पे और टोटल इसमें कितनी पंक्तियां होती है छह पंक्तियां होती है तो पहली चीज तो यहीं से समझ में आ जाएगी भाई छह पंक्तियां होंगी इससे पहले छह पंक्तियां कहीं भी नहीं देखी थी हमने तो इसमें छह पंक्तियां होंगी तो ये वैसे ही हमको पता चल जाएगा दूसरा हम इसको और देख लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि इसमें कुछ कुछ चीजें इन्होंने बोली है वो देखनी है और ये क्या है विषम मात्रिक छंद है विषम है क्यों क्योंकि इसमें हर बार अलग अलग होंगी क्योंकि इसने कहा है कि पहले दोहा होगा तो भाई दोहा होगा तो उसमें तेरह 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 ग्यारह तेरह ग्यारह का कॉम्बिनेशन होगा और जब वो रोला बन जाएगा तो उसमें ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह का हो जाएगा तो हो गया ना अलग अलग तो ये विषम मात्रिक हो जाएगा देखते हैं कैसा होता है तो ये देखो साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार तो यहां पर पहली चीज इन्होंने क्या बोली थी जो पहला शब्द होगा वो अंतिम वाला होगा दोहे का इधर साई दिख रहा है यहां भी साई दिख रहा है ठीक है एक चीज कंफर्म हो गई दूसरा इन्होंने बोला था कि जो द्वितीय पंक्ति का अंतिम चरण है वो तृतीय पंक्ति का प्रथम चरण बन जाएगा तो द्वितीय पंक्ति का अंतिम चरण क्या है यज्ञ करावन हार ये बन जाएगा तृतीय पंक्ति का प्रथम चरण आ गया भाई सही है ना और इस तरह से अभी आप इसको अगर इसकी मात्राएं भी काउंट करोगे तो पहले में आपको दोहा मिलेगा दूसरे वाले में आपको रोला मिल जाएगा काउंट करके देख लेना तो ये होता है हमारा कुंडलिया तो आज हमने छंद कौन कौन से पढ़ लिए छंद हमने दोहा देखा जिसमें तेरह ग्यारह का कॉम्बिनेशन होगा नेक्स्ट हमने देखा था चौपाई जिसमें आपकी सोलह सोलह मात्राएं है दिखती हैं सब एक जैसी होती हैं सेम सेम तीसरा हमने देखा था सोठा जिसमें ग्यारह और तेरह का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें आपको क्या देखना होगा जो विषम चरण है आपके उसमें आप राइमिंग देखना क्योंकि उससे आप पहचानना ईजी रह जाता है नेक्स्ट आता है आपका सो, आ, रोला रोला में क्या होता है उसमें भी आपको एक एक लाइन में चौबीस मात्राएं होंगी लेकिन यति विराम मिलती है ग्यारह और तेरह पर तो ये एक तरह से रोला जैसा ही आ, सोठा जैसा ही दिख रहा होगा लेकिन आप कैसे देखोगे कि इसके लास्ट में जो है आपको कॉम्बिनेशन कैसा मिल रहा होगा अंतिम वाले जो चरण है उनमें आपको गुरु गुरु या फिर लघु लघु का कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा लास्ट आता है हमारा कुंडलिया जिसको हमने देखा था कि पहला जो दोहे का शब्द होता है वो अंतिम होता है और द्वितीय का अंतिम चरण प्रथम का तृतीय का प्रथम चरण बन जाता है ठीक है है तो इस तरह से हमने सारे छंद जो है वो देख लिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे आपको पहचान करना आ जाए कि कौन सा क्या है अभ्यास देखते हैं पहला देखते हैं क्या है उठो उठो है वीर आज तुम निद्रा त्यागो करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो अब आपको क्या करना है सबसे पहले मात्रा काउंट करके देखो कि मात्राएं कितनी कितनी क्या क्या, क्या आ रही हैं करना शुरू करते हैं ठीक है यहाँ से काउंट करते हैं ऊ के लिए एक ठ के लिए दो ऊ के लिए एक ठ के लिए दो है के लिए दो व के लिए दो र के लिए एक काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है ग्यारह वाला आ रहा है ग्यारह आ रहा है तो यहीं पर ही आगे बढ़ने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है हम यहाँ पे ग्यारह देखते ही देखना स्टार्ट कर देंगे कि ये क्या है अब ग्यारह है तो दोहा तो होगा नहीं क्योंकि दोहा के लिए क्या होना चाहिए तेरा होनी चाहिए ठीक है ये ग्यारह है अब ग्यारह है तो या तो सोठा होगा या तो रोला होगा चीज होनी चाहिए क्या कि होता तो सोठा के लिए क्या देखते हैं आप कि यहां पर राइमिंग होना चाहिए जैसे वीर है तो यहाँ पे मीर धीर पीर ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं है तो फिर क्या है ये तो ये है भाई हमारा रोला ठीक है तो उसको हम लिख देंगे रोला है ना ऐसे आप देखना स्टार्ट कर देना कि कौन सा होगा अगर रोला है तो उसके लिए ये वाली चीज देखो और रोला है तो उसके लिए भी ये भी चीज देखो कि यहां पे राइमिंग वाला नहीं होना चाहिए यहां राइमिंग होता तो ये सोठा बन जाता फिर आप यहां वाले चीज देखते नहीं देखते वो अलग चीज है यहां पहले ही देख लेते आप ठीक है नेक्स्ट आता है कंगन का यह राज पनगट छनबन क्यों बजे बहुत हुई आवाज वहां निपटकर लिपटकर डोर से इसको करके देखते हैं पहले हम मात्रा काउंट कर लेते हैं तो देखो यहां उसको दो काउंट करोगे तो ये दो हो जाएगा ये 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 एक ये दो, ये एक दो यह एक में दो और दो और एक तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है ग्यारह फिर से ग्यारह आ गया ग्यारह आते भाई दोहा नहीं है दोहा नहीं है तो फिर क्या है या तो रोला होगा या तो फिर सोठा होगा ठीक है अब रोला के लिए क्या होना चाहिए था रोला के लिए यहां पर कॉम्बिनेशन होना चाहिए था या तो गुरु गुरु का या तो फिर लघु लघु का ऐसा कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है दूसरा आपको देखना अगर ये रोला नहीं है तो सोठा के लिए क्या होना चाहिए सोठा के लिए यहां पर सेम सेम होना चाहिए तो राज आबासम सेम सेम राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सोठा ठीक है तो इस तरह से आप ध्यान देना कि कौन सा कैसे होगा और वो मैंने इसलिए आपको ये दो चीजों में ही आपको कंफ्यूजन होगा सबसे ज्यादा इसलिए मैंने ये दो ही दिए क्योंकि एग्जाम में आपको अगर उदाहरण लिखने को आएगा तो आपको उदाहरण पता होना चाहिए कि कौन सा सही वाला होगा जो आपकी परिभाषा को जस्टिफाई भी कर पाए ठीक है तो आज हमने छंद को पढ़ा कि छंद क्या होता है उसके प्रकार देखे नेक्स्ट हम समझने वाले हैं रस ठीक है रस आम रस वाला नहीं रस होता है वो सीखेंगे उसके प्रकार देखेंगे किस किस तरह से होते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके एग्जाम्स में कौन से वाले आएंगे मैं वो भी आपको बता दूंगी ताकि आपको पता रहे कि हमें किस तरह से कैसे लिखना है और आपका जो छंद है वो किस तरह से आता है वो आपकी परिभाषा पूछी जाएगी भाई छंद में आपको इस छंद की परिभाषा लिखनी है और उसका एक उदाहरण लिखना है तो आप उदाहरण उदाहरण अच्छे से याद कर लेना जब एग्जाम टाइम होगा तो अच्छे से बिल्कुल लिख लिख के याद कर लेना कहीं भी मात्रा वात्रा वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दो मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच Bye bye and take care.